सो हेलो स्टूडेंट्स नाउ नेक्स्ट कंटिन्यू विद नोट नोट नंबर वन इफ यू इज़ फंक्शन ऑफ एक्स कॉमो बाई कामा जेड देन डी यू दिस इज हो कॉल्ड डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ दिस फंक्शन तो डिफरेंशियल फॉर्म इज गिवन बाई कर दी यूर कर दी एक्स डी एक्स प्लस कर दी यूर कर दी बाई डी वाई प्लस कर दी यूर कर दी जेड डी जेड ठीक है जी उसके बाद नोट नंबर टू इफ आर वैक्टर इज इक्व टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के तो डी आर वैक्टर क्या बन जाएगा डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के उसी तरीके से ग्रेड यू क्या बन जाएगा ग्रेड यू क्या बन जाएगा आपका कर ली यू और कर ली एक्स आई प्लस कर ली यू और कर ली बाई जे प्लस कर ली यू और कर ली जेड के ठीक है जी ग्रेड आप प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं ग्रेड ऑफ एनी फंक्शन इज रिटन एज कर ली और कर ली एक्स ऑफ यू आई प्लस कर ली और कर ली वाई यू जे प्लस कर ली और करली जेड यू के उसके बाद इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया जब डॉट प्रोडक्ट लिया तो ये बन जाएगा आई का डॉट आई के साथ जे का डॉट जे के साथ के का डॉट के एक साथ ही आ गया एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज योर डी यूड सेल्फ इसका मतलब डी आर डॉट ग्रेड यू इज नथिंग बट दिस इज इकोल डी यू सो डी यू डी आर वैक्टर डॉट ग्रेड यू मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे मैं यहाँ पर ज्यादा डिटेल नहीं दे रहा हूँ इन कंसेप्ट की क्योंकि इन तमाम कंसेप्ट को मैंने फुल डिटेल में फ्लूड डायनामिक्स के लेक्चर नंबर वन लेक्चर नंबर टू और लेक्चर नंबर तीन में डिस्कस किया है सो काइंडली गो थ्रू द वीडियो लेक्चर नंबर वन टू एंड थ्री ऑफ फ्लूड है सो ओके नेक्स्ट है कार्टिजन टेंसर नोटेशन अब कार्टिजन टेंसर नोटेशन कैसे लिखते हैं हम हेयर वी डिनोट द कार्टिजन कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी इन थ्री डायमेंशनल स्पेस बाई एक्स कॉम बाई कॉम जेड देखते हैं यहाँ तक आप लोग थ्री डायमेंशनल स्पेस में किसी पॉइंट के कार्टिजन कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स वाई जेड तो जब इसको हम टेंसर फॉर्म में लिखेंगे तो टेंसर फॉर्म में इन प्लेस ऑफ एक्स वाई जेड वी विल यूज एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री ठीक है जी दैट इज इन टेंसर फॉर्म वी विल राइट इट एज एक्स आई एक्स आई एक्स आई आई वेरी फ्रॉम वन कामा टू कॉमा थ्री तो ये लिखना बिल्कुल आसान होता है टेंसर फॉर्म में जो बड़ी से बड़ी इक्वेश होती हैं वो बिल्कुल छोटी हो जाती हैं तो देखते हैं जरा कैसे बढ़ते हैं आगे सो नेक्स्ट इज नाउ अल्फा आई जे एक्स जे है जैसे जैसे अल्फा आई जे एक्स टैंसर फॉर्म में इसको आप सॉल्व करना चाहते हैं तो हाउ वी विल सॉल्व इट तो ये सिंपल छोट छोटे छोटे कंसेप्ट हैं सिंपल कंसेप्ट हैं छोटे छोटे कि हाउ वी एक्सटेंड टेंसर फॉर्म तो अल्फाई जे एक्स जे का बेसिकली मतलब क्या है आई की वेरिएशन वन टू थ्री आई सोफिक्स है जे सोफिक्स है और बिकॉज वी आर आ, ट्रेटिंग इन थ्री डायमेंशनल स्पेस तो आई की वेरिएशन भी वन टू थ्री होगी जे की वेरिएशन भी वन टू थ्री होगी इवन अगर के होता तो के की वेरिएशन भी वन टू थ्री होती तो अल्फाई जे एक्स जे का बेसिकली मतलब है अल्फा लिखेंगे हम यही यूज हम यही करेंगे पर इसका मतलब ये है ध्यान रखना खास जब आप उसको खोलेंगे तो खोलने का तरीका क्या है एक समीशन को फिक्स करो दूसरी को गरी करो जेके वाली वन टू थ्री दो तो, जेके वाली वन ये बन गया जेके वाली टू ये आ गया जेके वाली थ्री ये आ गया तो जे के वाली वन टू थ्री के लिए ये सम आ गया आपके पास फिर आई क्यू वाली वन दी ये आ गया फिर आई क्यू वाली टू दी अगले तीन कॉम्पोनेंट बन गए फिर आई क्यू वाली थ्री दी अगले तीन कॉम्पोनेंट बन गए तो अल्टीमेटली बोलने का मतलब ये जो इतना बड़ा सम है अल्फा वन वन एक्स वन से लेके अल्फा थ्री थ्री एक्स थ्री तक ये जो इतना बड़ा सम है दिस इट्सल्फ इज रिप्रेजेंटेड बाई अल्फा आई जे एक्स जे

सो so, इसका माना वी आर डिफरेंशिएटिंग यू आई विद टू एक्स तो ये यू आई तो ये आई तो इधर ही रहेगा क्योंकि ये यू के साथ अटैच है जिसके साथ डिफरेंशिएट करना है वो फिक्स आपका इस साइड चला जाएगा कॉमा के राइट साइड में जैसे कर ली ए आई और कर ली एक्साइज को कैसे लिखेंगे ए आई कॉमा आई ए आई कॉमा आई जैसे आई आईक्यू वाली अब इसका मतलब क्या है इसका मतलब है आई क्यू वाली वन ये आई क्यूली टू आई क्यू वैली थ्री तो दिस टेंसर इट सेल्फ रिप्रेजेंट दिस सम एंड ए वन कॉमा वन का मतलब कर लिए वन बटे कर लिए एक्स वन कर लिए ए टू बटा कर लिए एक्स टू कर लिए थ्री बटा कर लिए एक्स थ्री एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज योर डाइवर्जेंस ऑफ ए वैक्टर इफ ए वैक्टर हैज़ कॉम्पोनेंट ए वन ए टू ए थ्री दैन डाइवर्जेंस ऑफ ए वैक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाई दिस उसका कॉर्नेट डाटा ये भी आप फैमिले रहें इसके साथ इसको लिखते हैं हम डेल्टा आई जे से और इसकी दो वैल्यू होती हैं अगर आई और जे बराबर हैं द तो वैल्यू इज़ वन अगर आई और जे डिफरेंट है तो वैल्यू इज़ ज़ीरो दिस इज सो कॉल्ड क्रेक्टर डाटा उसके बाद डेल्टा आई आई फिर ये इट्स डेल्टा आई आई का मतलब समेशन डेल्टा आई 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 वेरीज फ्रॉम वन टू थ्री आई व्यली वन आई वी वैली टू आई क्यू वैली थ्री तो डेल्टा आई आई का मतलब हो गया थ्री डेल्टा जे जे थ्री डेल्टा के के थ्री उसका डेल्टा आई जे एक्स जे ये सिर्फ मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि इन कंसेप्ट को हमने यूज़ करना आगे जाके तो डेल्टा आई जे एक्स जे का मतलब यहाँ पर आप दो फिक्स आ गए आई एंड जे तो उसका मतलब क्या है समेशन डेल्टा आई जे एक्स जे आई वेरीज फ्रॉम वन टू थ्री जे वेरीज फ्रॉम वन टू थ्री और अगर इसमें शन नहीं लिखना तो आप डायरेक्ट भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं पहले जे की वैल्यू वन टू थ्री दे दी की वैल्यू वन टू थ्री देने के बाद फिर इसके ऊपर आई क्यूवली वन वैल्यू टू आई की वैल्यू थ्री दे दी ठीक है और जैसे आई वैल्यू वन टू थ्री दी तो डेल्टा वन वन डेल्टा टू टू डेल्टा थ्री थ्री तो बन जाएंगे वन और बाकी हो जाएंगे सारे जीरो सो वी लेफ्ट विद एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री इसका मतलब डेल्टा आई जे एक्स जे इज नथिंग बट दिस इज द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट जिसके अलावा कॉर्डिनेट के पॉइंट्स का सम को हम डेल्टा आई जे एक्स जे इस फॉर्म में लिख सकते हैं और टेंसर फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे डेल्टा ई जे एक्स जे इज इक्वल टू एक्स आई इज इक्वल टू एक्स आई ठीक है तो डेल्टा इजे एक्स जेवल टू एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री का सम मीन्स एक्स आई उसके बाद गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होती है गॉस डाइवर्जेंस है सरफेस टू वॉल्यूम सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करती कैसे इंटीग्रेशन ऑफ रेस ए वेक्टर डॉट एन कैप इंटू डी एस एन कैप इंटू डी एस यहाँ पर n कैप ds होगा या सिंपल डॉट ds वेक्टर होगा a dot n कैप ds या a वेक्टर ds वेक्टर होगा अगर n कैप लिखेंगे तो ds के ऊपर वेक्टर नहीं आएगा अगर n कैप नहीं लिखेंगे तो ds के ऊपर वेक्टर आएगा तो दिस रिजल्ट कन्वर्टेड टू तो वॉल्यूम इंटीग्रल और जो a वेक्टर होता है ये बन जाता है डाइवर्जेंस ऑफ a dv वी इज वॉल्यूम n कैप होता है ds वेक्टर तो ds वेक्टर में इंटिग्रेट मीन्स एन कैप इज इक्वल टू डी एस बटे डी एस मैं का मतलब डी एस ठीक है जी और टेंसर फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे इंटेक्शन जगह आ गया ए आई एन कैप की जगह आ गया एन आई डी एस इंटेक्शन की जगह आ गया करली ए आई बटे करली एक्साइड टेंसर फॉर्म डी बी या ए आई कॉमा आई डी बी कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद ऑर्थोगोनैलिटी रिलेशन ये भी हमने फ्लूडो डायनामिक्स में स्टडी किए हैं यहाँ पर मैं उनकी ज़्यादा डिटेल नहीं दूंगा सिंपल हल्के हल्के एक्सप्लेनेशन करके आगे बढ़ जाऊँगा तो लेट ओ ओ एक्स पैर में आई एंड ओ एक्स आई डैश विद अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स एंड डायरेक्शन को साइंस ऑफ वन सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू अदर इज गिवन बाय ये दो सिस्टम हैं एक है ओ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री और एक है ओ एक्स वन डैश एक्स टू डैश एक्स थ्री डैश दो सिस्टम लिए हमने तो एक सिस्टम के डायरेक्शन को साइन दूसरे सिस्टम के विद रिस्पेक्ट मतलब इस सिस्टम के डायरेक्शन को साइन विद रिस्पेक्ट टू दिस या इस सिस्टम के डायरेक्शन को साइन विद रिस्पेक्ट टू दिस कैसे देते हैं हम ये ये एक सिस्टम है एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री हमने थोड़ा सा इसको रोटेट किया तो एक्स वन बन गया एक्स वन डैश एक्स टू चले गया एक्स टू डैश पोजिशन में एक्स थ्री आ गया एक्स थ्री डैश पोजिशन में ये ओरिजिनल पॉइंट इज कॉमन तो ये टेबल बनाया मैंने ओ एक्स वन ओ एक्स टू एक्स थ्री ओ एक्स वन डैश थ्री डैश से दिस इज एल वन वन एल वन टू एल वन थ्री एल टू वन एल टू टू एल टू थ्री एल थ्री वन एल थ्री टू एल थ्री थ्री तो अगर आप इसके डायरेक्शन को साइन देखेंगे ओ एक्स आई के डायरेक्शन को साइन विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई डैश तो जैसे ओ एक्स वन के डायरेक्शन को साइन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन के डरेक्शन को साइन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन डैश एक्स होंगे एल वन वन एल वन टू एल वन थ्री उसी तरीके से एक्स टू के डायरेक्शन को साइन ये आ जाएंगे एक्स थ्री के आ जाएंगे अगर एक्स वन डैश के देखना तो एक्स वन डे डिस्पेक्ट टू एक्स 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 x2, एल वन वन एल टू वन एल थ्री वन एक्स टू डैश इसके विद रिस्पेक्ट आ जाएंगे ये उसी तरीके से ये फिर एल वन वन एल वन टू एल वन थ्री आर डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ओ एक्स टू ओ एक्स थ्री एंड एल वन वन एल टू वन एल थ्री वन आर डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ओ एक्स टू ओ एक्स थ्री एंड सो है जी और उसके बाद फिर यहां पर सिक्स पॉसिबल रिलेशन बनते हैं एंड दीज आर सेम सेम का स्केयर और जमा वन हो जाता है डिफरेंट की जमा और गुणा जीरो जैसे एल वन वन स्केयर कब बोलने के बाद एल वन वन इंटू एल वन वन प्लस एल वन टू इंटू एल वन टू प्लस एल वन थ्री इंटू एल वन थ्री इज इक्वल टू वन और डिफरेंट इसकी इसकी गुणा जमा इसकी इसकी गुणा जमा इसकी इसकी गुणा इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो और जब इसको टेंसर फॉर्म में लिखेंगे हम ये एक सेट बना आपका उन six relations का एक सेट बना आपका और में कैसे लिखेंगे इसको ध्यान ध्यान रखना रखना इसका second suffix जो fix है one, first suffix जो है वो, one, one, one है 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 देखो देखो वो तो ठीक है तो इसको कैसे लिखेंगे एल आई जे एल के जे स्विक्स फिक्स है इसको हमने जे नाम दे दिया फर्स्ट और फर्स्ट स्विक्स वेरी कर रहे हैं तो इसको आई और के बोल दिया तो याद कैसे करते हैं कि जो सेम सोफिक्स so होता है उसको छोड़ देते हैं और जो डिफरेंट सोफिक्स होते हैं डेल्टा उसके ऊपर काम करता है तो एल आई जे एल के जेव टू डेल्टा आई के तो ये जो रिलेशन है दिस इट सेल्फ रिप्रेजेंट सिक्स रिलेशन ऑफ दिस टाइप ये एक सेट आया दूसरा सेट क्या बनेगा एल टू वन स्के प्लस एल टू टू स्के इसकी गुणा इसकी इसकी गुणा इसकी इसकी गुणा जमा करके जीरो आएगा

प्लस एल टू वन कर प्लस एल एल थ्री वन कर इक्ट टू वन और आमने सामने गुणा जमा करके इट इज जीरो फिर इसको जमा करके वन आमने सामने गुणा करके जीरो फिर इसका कस जमा इसका कर जमा इसका कस कर वन और पहले और तीसरे के आपस में गुणा करके जीरो ये आ गया और इसको ये हम यहाँ पर मैं यहाँ पर एक लिख रहा हूँ उसी तरीके से यहाँ पे ये एक सेट लिख रहा हूँ दो सेट और हैं यहाँ पे एंड दिस दीज सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाई एल आई जी अब यहाँ देखो यहाँ पर फर्स्ट 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 फिक्स जो है वो वन वन टू टू थ्री थ्री वन यहाँ पर सेकंड सफिक्स जो है, वो फिक्स है ठीक है तो यहाँ पर फर्स्ट सफिक्स जो है ले लिया हमने आई और सेकंड सफिक्स ले लिया जे के तो एल आई जे एल आई के जो सेम सोफिक्स है उसको छोड़ दिया और जे के के ऊपर आ गए तो एक्स आई डैश ओ एक्स आई डैश के ऑर्थोगोनल रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई विद रिस्पेक्ट टू ओ एक्स आई इसल आई जे एल आई के डेल्टा जे के फिर आई वे वन टू थ्री और के एक टू टू जब पुट करेंगे तो आपके पास ये सेट आ जाएगा के के वाली पुट वन पुट करेंगे तो दूसरा सेट आ जाएगा के के वाली तीन पुट करेंगे तो तीसरा सेट आ जाएगा तो ये तीन सेट बनेंगे वाइज तो ये है रोटेशंस उसके बाद स्ट्रेन टेंसर स्ट्रेन टेंसर क्या होते हैं ई एक्स एक्स याद करिए ये भी फ्लो डायनेमिक्स में काफ़ी डिटेल में मैंने बताए हैं आपको

ई एक्स वाई लिखो या ई वाई एक्स लिखो एक ही बात है ई एक्स वाई या ई वाई एक्स इसका मतलब हाफ कर ली यूर कर ली वाई प्लस कर ली व्यवर कर ली एक्स ई वाई जेड या ई जेड वाई लिखो इसका मतलब कर ली वी ओर कर ली जेड प्लस कर ली डब्ल्यू और कर ली वाई और उसी तरीके से ई जेड एक्स प्लस ई जेड एक्स लिखो या ई एक्स जेड लिखो इसका मतलब हाफ कर ली डब्ल्यू और कर ली एक्स प्लस कर ली ओर कर ली जेड ठीक है जी और अगर इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो ई आई जे ई आई जे कैसे लिखेंगे आई की वैल्यू एक्स वाई जेड जे की वैल्यू एक्स वाई जेड मतलब अगर एक्स वाई जेड के टर्म में चल रहे हैं तो आई वेरी तो मैट्रिक्स फॉर्म में आ गया ये इसमें क्या होगा पहला एक्स फिक्स आई एक्स फिक्स कर दी जे के वैल्यू एक्स वाई जेड फिर आई क्यू वैलू वाई फिक्स कर दी जे के वैल्यू एक्स वाई जेड फिर आई क्यू वैली जेड फिक्स कर दी जेक वैल्यू एक्स वाई जेड और टेंसर फॉर्म में ये सारा रिजल्ट जो टेंसर फॉर्म में जो इतना बड़ा रिजल्ट आपने लिखा कार्टिजन फॉर्म में इसको टेंसर फॉर्म में लिखेंगे ई आई जे इक्वल टू हाफ कर ली यू आई ओवर कर ली एक्स जे प्लस कर ली यू जे ओवर कर ली एक्स आई आई कॉमन जे बोथ वेरी स्ट्रॉन्ग वन टू थ्री आई क्यू वाली वन फिक्स कर दो जेके वाली वन टू थ्री दे दो आई क्यू वाली टू फिक्स कर दो जेके वाली वन टू थ्री आईक्यू वाली थ्री फिक्स कर लो जेके वाली वन टू थ्री दे दो छः के छ सॉरी नौ के नौ कॉम्पोनेंट आपके आ जाएंगे इनको बोलते हैं स्ट्रेन टेंसर दीज आर कॉल्ड स्ट्रेन टेंसर उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन अंडर रोटेशन अब जब आप जब अगर बॉडी रोटेट कर रही है तो उस केस में क्या ट्रांसफॉर्मेशन होती हैं देखिए जरा इफ पी हैविंग कोऑर्डिनेट एक्स आई मीन्स पी हैविंग कोऑर्डिनेट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री बी एनी पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ओ एक्स आई एंड पी एक्स आई डैश बी सेम पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ओ एक्स आई डैश देन एक्स वन डैश एक्स टू डैश एक्स थ्री डैश एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री अभी लिखा थोड़ी देर पहले ऑर्थोन एफ वन वन एल वन टू एल वन थ्री एल टू वन एल टू टू एल टू थ्री एल थ्री वन एल थ्री टू एल थ्री थ्री सेम रिलेशन है पर इस केस में जब रोटेशन होगी तो so, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे चलेगी देखो ज़रा ध्यान से देखिए ज़रा कैसे चलेगी देखो एक्स वन डैश कैसे जा रहा है एल वन वन एक्स वन एल वन टू एक्स टू एल वन थ्री एक्स थ्री तो इसका मतलब एक्स वन डैश हो गया एल वन वन एक्स वन प्लस एल वन टू एक्स टू प्लस एल वन थ्री एक्स थ्री तो उसको कैसे लिखेंगे एक्स टू डैश क्या बन जाएगा एल टू वन एक्स वन प्लस एल टू टू एक्स टू प्लस एल टू थ्री एक्स थ्री उसी तरीके से एक्स थ्री हो जाएगा एल थ्री वन एक्स वन प्लस एल थ्री टू एक्स टू प्लस एल थ्री थ्री एक्स थ्री एंड उल्टा एक्स वन हो जाएगा एल वन वन एक्स वन डैश प्लस एल टू वन एक्स टू डैश प्लस एल थ्री वन एक्स थ्री डैश ऑन द सेम लाइन एक्स टू एंड एक्स थ्री और इसको टेंसर फॉर्म में देखो कैसे लिखा हुआ है ये देखिएगा टेंसर फॉर्म में एक्स आई डैश इक्वल टू एल आई जे एक्स जे यहाँ पर आई के लिए वन फिक्स करो के लिए वन टू थ्री दे दो फिर आई लिए टू फिक्स करो के लिए वन टू थ्री दे दो आई लिए थ्री फिक्स करो जेके वाली वन टू थ्री दे दो आपके पास तीनों रिलेशन आ जाएंगे और इन उल्टा इनवर्स इनवर्स कैसे एक्स आई को लिखना है तो एक्स आई होगा एल आई जे एक्स जे डैश आई क्यू वाली वन फिक्स करो जे की वैल्यू वन टू थ्री दे दो फिर आई को टू फिक्स करो की वैल्यू वन टू थ्री दे दो आई क्यू थ्री फिक्स करो की वैल्यू वन टू थ्री तो एक्स आई डैश बन गया एल आई जे एक्स जे ये लिखा भी आपने ऊपर मैंने क्या किया जे को से रिप्लेस कर दिया वी कैन चेंज क्योंकि आई की वेरियन वन टू थ्री है जे की वेरियशन वन टू थ्री की भी वेरिएशन वन टू थ्री है मैं कुछ रिजल्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ इसलिए मैंने जे को से रिप्लेस कर दिया कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको उसके बाद एक्स आई डैश को एक्स आई डैश से ऑपरेट कर दिया एक्स आई डैश इसका डॉट इसके साथ ले दिया जब डॉट लिया तो देखिए ज़रा एल आई जे एल आई के इकट्ठा कर दिया मैंने एक्स जे एक्स के ये आ गया और अभी आप थोड़ी देर पहले ऑर्थोगोनल रिलेशन पढ़ चुके हैं जो सेम सफिक्स होता है उसको हम छोड़ देते हैं सेम सफिक्स को हम छोड़ देते हैं और जो डिफरेंट होते हैं डेल्टा उसके ऊपर आ जाता है तो डेल्टा जे के एक्स जे एक्स के और डेल्टा की प्रॉपर्टी यूज़ कर ली जैसे ही जे के वाली के होगी जैसे ही जे के वाली के होगी ये बन जाएगा वन और यहाँ आ जाएगा एक्स के इन एक्स के तो ये बन जाएगा एक्स के स्क्यर एक तो इसका एक्स आई डैश स्केयर इक्वल टू एक्स के स्क्यर अगर इसको हम खोलें तो ये बन जाएगा एक्स वन डैश स्केयर प्लस एक्स टू डैश स्केयर प्लस एक्स थ्री डैश स्केर इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री अब मेरे ध्यान से सुनना मेरी बात जरा एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री क्या थी ये थी पोजिशन बिफोर डिफॉर्मेशन जब आपने सिस्टम को डिफॉर्म नहीं किया था उस केस में पोजीशन थी एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री जब आपने सिस्टम को डिफॉर्म कर दिया तो ये एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री जो पोजीशन थी ये पोजीशन चेंज होकर होगी एक्स वन डैश एक्स टू डैश एक्स थ्री डैश इसका मतलब ये हुआ कि डिफॉर्मेशन से पहले कोऑर्डिनेट का स्केयर और सम और डिफॉर्मेशन के बाद कोऑर्डिनेट का स्केयर और सम इट इज ऑलवेज सेम इट इज ऑलवेज सेम दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ध्यान रखना इस चीज़ का बिफोर डिफॉर्मेशन एंड आफ्टर डिफॉर्मेशन बिफोर डिफॉर्मेशन पार्टिकल की पोजिशन थी एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री जब बॉडी को आपने डिफॉर्म किया उसके ऊपर फोर्स लगाई फोर्स लगाने के बाद पार्टिकल की जो पोजीशन थी दैट चेंजेस टू एक्स वन डैश एक्स टू डैश एक्स थ्री डैश पर इनके बीच में रिजल्ट रिलेशन क्या बन रहा है अगर उन कोर्डिनेट का स्क्वेयर और सम करें तो यह सेम आएगा उसका रिस्टोरिंग फोर्स पता ही आपको रिस्टोरिंग फोर्स द फोर्स ब्रिंग्स द बॉडी बैक टू इट्स ऑरिजिनल पोजिशन आफ्टर द रिमूवेबल ऑफ़ डिफार्मिंग फोर्स फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आप बॉल को रबड़ की बॉल लें जब आप उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे उसको दबाने की कोशिश करेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि उस बॉल के अंदर से कोई चीज़ बाहर की तरफ उसको धकेलने की कोशिश कर रही है तो वो जो आप एहसास करते हैं कि वो अंदर से को बाहर की तरफ फोर्स लग रही है दैट फोर्स इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स और उसकी उसकी उस रिस्टोरिंग फोर्स की टेंडेंसी यही होती है कि वो बॉल जो है वो वापस अपनी पोजीशन में आ जाए उस फोर्स को बोलते हैं हम रिस्टोरिंग फोर्स डिफॉर्मिंग फोर्स द फोर्स विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द शेप ऑफ द बॉडी तो डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होगी कि जब आप अपने बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई फोर्स लगाने के बाद वो बॉडी वापस अपनी शेप में नहीं आई तो नहीं आई जिस फोर्स की वजह से बॉडी अपनी पोजीशन में वापस नहीं आई दैट फोर्स इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स उसके बाद स्ट्रेस ये भी हम देख चुके हैं फ्लू डायनेमिक्स में वैन अ डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड इन ए बॉडी जब आप ये डिफॉर्मिंग फोर्स बॉडी में अप्लाई करते हैं अ डिसप्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स टेक्सप्लेस अब सोचना तुमने को दिए जैसे आप जैसे मैं फिर वही एग्जाम्पल ले रहा हूँ आप रबड़ की बॉल लो उसके ऊपर उसको हाथ में पकड़ो और उसको दबाने की कोशिश करो जब आप उसको दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो पार्टिकल्स होंगे वो अपनी पोजिशन को चेंज करेंगे अ डिसप्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल टेक्स प्लेस विच प्रोड्यूस रिस्टोरिंग फोर्स और जब आप उसको दबाएंगे तो आपको एहसास होगा कि अंदर की तरफ से कोई फोर्स जो है उसको बाहर की तरफ धकेल रही है इन अ बॉडी एंड ट्राइज टू ब्रिंग द बॉडी बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन और उसकी टेंडेंसी होगी कि वो बॉडी को वापस अपनी ओरिजिनल पोजिशन में लेके आए दिस रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ये जो स्टोरिंग फोर्स है जिसकी वजह से बॉडी वापस अपनी शेप में आए ये एक यूनिट एरिया के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस तो उसका मतलब स्ट्रेस इज नथिंग बट दिस इज रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया एक यूनिट एरिया के ऊपर आपने कितनी स्टोरिंग फोर्स लगाई मतलब आपकी आपकी फोर्स लगाने के बाद जो स्टोरिंग फोर्स उस बॉडी को वापस अपनी पोजिशन में लाने की कोशिश कर रही है वो स्टोरिंग फोर्स एक यूनिट एरिया के ऊपर कितनी लगी दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस उसका नॉर्मल स्ट्रेस अब तो ये सिंपल कॉम्पोनेट्स हैं इसके स्ट्रेस के नॉर्मल कॉम्पोनेट और टनेंशियल कॉम्पोनेट इट इज द स्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द सर्फेस इज कॉल्ड नॉर्मल स्ट्रेस जो उस सर्फे उस सर्फेस के परपेंडिकुलरली फोर्स एक्ट करेगी उसको बोलेंगे आप नॉर्मल स्ट्रेस और टनेंशियल स्ट्रेस इफ द स्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया टनेंशियल टू द सर्फेस टनेंशियल टू द सर्फेस देन इट इज कॉल्ड टनेंशियल स्ट्रेस उसका स्ट्रेन स्ट्रेन क्या होती है स्ट्रेन कुछ नहीं है बॉडी इज सेट टू स्ट्रेन और डिफॉर्म्ड इफ इट्स डायमेंशन चेंजेस अंडर द एक्शन ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स जब आपने बॉडी के ऊपर कोई डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई मान लो जो बॉडी है उसकी पहले लेंथ है एक यूनिट जब उसके ऊपर आपने फोर्स लगाई तो उसकी लेंथ होगी वन पॉइंट वन यूनिट तो वो जो पॉइंट वन यूनिट चेंज आई दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन तो इसका स्ट्रेन मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे चेंज इन डायमेंशन बट ए चेंज इन ऑरिजिनल डायमेंशन मतलब जब आपने किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई तो फोर्स लगाने के बाद उसमें कितनी चेंज आई तो वो जो चेंज आई दैट चेंज इन डायमेंशन बट ए चेंज इन ओरिजिनल डायमेंशन दैट इज कॉल्ड सिंपली तो चेंज इन डायमेंशन पर यूनिट चेंज इन ओरिजिनल डायमेंशन उसका रिजिड बॉडी रिजिड बॉडी इज़ वेरी सिंपल इट इज़ एन आइडल बॉडी सच दैट डिस्टेंस बिटवीन एवरी पेयर ऑफ पॉइंट्स रिमेंस इन वेरियंट बोलने का मतलब ये हो रिजिड बॉडी क्या हुई बोलता है कि अगर आप उस बॉडी के अंदर कोई भी दो पॉइंट उठाएं पहले आपने एक दो पॉइंट का पेयर उठा लिया उनके बीच का डिस्टेंस देखा फिर अगले दो पॉइंट उठा लिया उनके बीच का डिस्टेंस देखा फिर अगले दो पॉइंट उठा लाने उनके बीच का डिस्टेंस देखा तो वो डिस्टेंस अगर थ्रू आउट सेम है तो हम कहेंगे दैट बॉडी इज अ रिजिड बॉडी सो इट इज एन एड बॉडी सच दैट डिस्टेंस बिटवीन एनी पेयर ऑफ पॉइंट्स पॉइंट इन वेरियंट अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स उसका नोट फॉर्म रिजल्ट है फॉर एनी फंक्शन फाई लेप्लस इक्वेशन इज गिव बाई इक्वेशन पता है आपको है आपको इससे करलिसाई बटा कर लिया एक्स स्केयर प्लस कर ली स्केर फाइव बटा कर लिया बाई स्केर इक्वल टू तो जीरो और इसको कैसे लिखते हैं हम डेल स्केर फाई इक्वल टू तो जीरो डेल स्केयर फाइव इज इक्वल तो टू जीरो इसको बोलते हैं हम लैप्लस इक्वेशन और इफ़ डेल फोर फाइव इज इक्व तो टू जीरो अगर डेल फोर फाइव जीरो हो जाए तो फाइव को बोलते हैं हम बाई हारमोनिक फंक्शन याद करिए क्योंकि मैंने आगे यूज़ करना है डेल स्केर फाई क्व जीरो का मतलब लैपलस इक्वेशन और डेल फोर फाइव कोड जीरो का मतलब बाई हारमोनिक फंक्शन तो ये फाइव कैसा आएगा हारमोनिक फंक्शन उसके बाद रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हेयर देखेंगे आप उसको ध्यान से कंसिडर अ बॉडी इन अनडिफॉर्मड स्टेट अनडिफॉर्मड स्टेट मतलब इनिशियल स्टेट आपने कोई फोर्स नहीं लगाई उसके ऊपर बिच ऑकूपाई रीजन आर आपने एक बॉडी ली इनिशियल स्टेज के ऊपर मान लीजिए उसने रीजन आर गेन कर दिया इन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड लेट पी has कॉन्डेट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री बी एनी पॉइंट इन अनडीफॉर्मड स्टेट इन रीजन आर अब सोचना तुमने है बड़े ध्यान से अंडरस्टैंड करना है आपने इनिशियल स्टेज पर जैसे रबड़ की बॉल ले लो आप दोबारा से आपने रबड़ की बॉल ली ठीक है उसको आपने रख दिया और मान लीजिए कि वो वो जो रबड़ की बॉल जिस पॉइंट के ऊपर आपने रखी डेट पॉइंट इज एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री फिर क्या किया आपने उस बॉल को किया तो जब डिफॉर्म करेंगे तो क्या होगा सोचना तुमने तो पी पॉइंट की पोजीशन ऑटोमेटिकली चेंज होगी ठीक है ये है कुछ डायग्राम ऐसी कि ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है यहाँ पर आपने बॉल रखी है से बॉल इज एट पॉइंट पी एक्स आई पी एक्स आई मीन्स पी हैविंग कोऑर्डिनेट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री बिकॉज वी आर सपोजिंग थ्री डायमेंशनल स्पेस दिस इज द पोजिशन बिफोर डिफॉर्मेशन फिर क्या किया आपने इसके ऊपर फोर्स लगाई जैसे इसके ऊपर फोर्स लगाई तो इमीडिएट पी पॉइंट जो है वो कहाँ चला गया पी डैश के ऊपर चला गया जब फोर्स लगाई तो पी ने अपनी पोजिशन चेंज की तो पोजिशन चेंज की से द दोजीशन इज नाउ पी डैश क्वारडिनेट हैविंग एक्स वन डैश एक्स टू डैश एंड एक्स थ्री डैश और रीजन भी उसने ऑकोपाई कर दिया आर डैश पहले रीजन उसने आर ऑकूपाई किया था बिफोर डिफॉर्मेशन जब उसको डिफॉर्म किया तो ऑटोमेटिकली उस बॉल की शेप साइज सब कुछ चेंज हो जाएगा जब शेप साइज चेंज हुआ तो ऑटोमेटिकली जो रीजन ऑकोपाई करेगा वो भी चेंज हो जाएगा लेट इट ऑक्युपाई रीजन आर डैश आफ्टर डिफॉर्मेशन एंड लेट पॉइंट पी बिकम्स पी डैश बिफोर डिफॉर्मेशन ये स्थिति थी जब आपने इसके ऊपर डिफॉर्मेशन इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की तो आफ्टर डिफॉर्मेशन पी चला गया पी डैश के ऊपर आर रीजन बन गया आर डैश पी डैश के क्वारनेट आ गया एक्स वन डैश एक्स टू डैश एक्स थ्री डैश देन डिफॉर्मेशन फ्रॉम आर टू आर डैश इज डिफाइंड एज So, R और R के बीच में जो चेंज आई वो चेंज इज़ डिफॉर्मेशन इज गाइड याद करिए इसको पार्टिकल की पोजिशन होगी इट इज ऑलवेज फंक्शन ऑफ पोजिशन ऑफ इनिशियल स्टेज और इसको ट्रांसफॉर्म फॉर्म में और कैसे लिख सकते हैं इक्वल टू एक्साइड ऑफ एक्साइड याद करो इसको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जब आपने बॉडी को डिफॉर्म किया डिफॉर्म करने के बाद जो पोजीशन बनी पार्टिकल की वो पोजीशन जो है वो इनिशियल स्टेज के ऊपर डिपेंड करेगी एंड इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन अगर उल्टा चलेंगे डिफॉर्म्ड स्टेट से आप बिफोर डिफॉर्मेशन आएंगे बिफोर डिफॉर्मेशन कैसे आएंगे कि जब आपने बॉल के ऊपर जो फोर्स लगाई थी जब उस फोर्स को आप छोड़ना शुरू करेंगे तो ये वापस अपनी पोजिशन में आ जाएगी तो वापस अपनी पोजिशन में अगर आएगी तो उसका मतलब एक्साइड डैश जो है तो उस केस में एक्साइज जो है वो डैश के ऊपर डिपेंड करेगा तो इट्स इन वर्स ट्रांसफॉर्मेशन इज गिवन बाई इक्वल टू एक्साइज ऑफ डैश जब यहां से यहां जाएंगे तो दिस डैश डिपेंड्स एक्साइड जब आप यहां से यहां जाएंगे तो उस केस में दिस एक्साइड डिपेंड्स एक्साइड सच दैट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पॉइंट फ्रॉम रीजन आर इन आर डैश इज वन वन आल्सो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ये वन वन भी होंगे ये पॉइंट वन वन भी होंगे और साथ में ट्रांसफॉर्मेशन भी होगी द ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड बाई इक्वेशन नंबर वन ये जो है ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है डिफाइंड बाई नंबर वन रिप्रेजेंट्स प्योर डिफॉर्मेशन याद करिए इसको इस तरह की जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होगी इसको बोलेंगे हम प्योर डिफॉर्मेशन एंड रिजिड बॉडी डिफॉर्मेशन ठीक है जी इस तरह की जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी उसके दो नाम है नंबर एक प्योर डिफॉर्मेशन नंबर दो रिजड बॉडीफॉर्मेशन रिजड बॉडी डिफॉर्मेशन कंसिट्स ऑफ ट्रांसलेशन रोटेशन एंड डिफॉर्मेशन और ये आर्टिकल आप फ्लूड डायनामिक्स में स्टडी कर चुके हैं कि जो रिजड बॉडी डिफॉर्मेशन होती है जो मोशन होता है फ्लूड का फ्लूड पार्टिकल का इट कंसिस्ट ऑफ थ्री कंसेप्ट वन इज ट्रांसलेशन अदर इज रोटेशन एंड थर्ड इज़ डिफॉर्मेशन उसका एप्सलन आई जे के ये भी फ्लू डायनेमिक्स में आपने देखा था एप्सलन आई जे के इसका करैक्टर होता था इसकी तीन वैल्यू होती थी अगर आई जे के में से कोई भी दो सोफिक्स सेम गए कोई भी दो सोफिक्स सेम गए तो इसकी वैल्यू हमेशा जीरो होती थी अगर ये इवन परमोटेशन में होंगे इवन परमोटेशन कैसे जैसे ये ले लिया मैंने आई ये ले लिया जे ये ले लिया के इवन परमोटेशन मतलब ऐसे आई से जे जे से के जैसे के से आई इसको बोलते हैं इवन परमोटेशन अगर इवन परमोटेशन होगी तो वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल टू वन और अगर ऑड परमोटेशन होगी ऑड परमोटेशन मतलब किसी भी तरीके से जे जे आई के कर दिया मतलब कोई सीक्वेंस नहीं होगी आई जे के के बीच में देन द वैल्यू ऑफ दिस एप्सिलॉन आई जे के इज माइनस वन ये भी मैंने काफ़ी डिटेल में आपको फ्लूइड डायनेमिक्स में समझाया हुआ है तो गो थ्रू दो वीडियो उसके बाद नोट फॉर्म रिजल्ट है हालांकि अदरवाइज थ्योरम अपने आप में एक रिजल्ट है आर्टिकल है पर पर हम सिर्फ इसको यूज करेंगे फॉर टू डायमेंशनल प्रॉब्लम कॉम्पोनेट ऑफ स्ट्रेस आर जो स्ट्रेस होते हैं टू टू डायमेंशनल फॉर्म में ध्यान रखना टू डायमेंशन में स्ट्रेस के कॉम्पोनेंट होते हैं टॉ तो वन एकस वन टू टू टन टू टॉ वन वन टन टू एंड टा टू टू एंड दीज स्ट्रेस कॉम्पोनेट्स आर फंक्शन क्योंकि वी आर टेकिंग टू डायमेंशनल स्पेस तो एक्स वन एक्स टू होगा यहाँ पर ऑल्सो टॉ वन वन होता है यू कमा टू टू यू कमा टू टू मतलब यू को डिफ्रेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स टू टू टाइम टॉ टू टू होता है यू कमा वन वन याद कर लीजिए इसको और माइनस टॉ वन टू होता है यू कमा वन टू वेर यू इज फंक्शन ऑफ एक्स वन एंड एक्स टू इज कॉल्ड एरे स्ट्रेस फंक्शन इसका नाम है दिस इज कॉल्ड एरे स्ट्रेस फंक्शन उसके बाद ट्रांसलेशन क्या होती है द ट्रांसलेशन मोशन अब हालांकि ये चीज़ें मैं बता चुका हूँ पहले पर चलो हल्का सा इसको डिस्कस कर लेते हैं द ट्रांसलेशन मोशन इन्वॉल्विंग चेंज ऑफ पोजिशन ट्रांसलेशन बेसिकली क्या है ये जो पोजिशन में चेंज आती है उसको इन्वॉल्व करता है इन एन ऑब्जेक्ट अंडर गोइंग ट्रांसलेशन मोशन ऑल पॉइंट मूव्स इन पैरल पाथ तो ट्रांसलेशन में क्या होता है कि जब पार्टिकल मूव करता होता है तो ट्रांसलेशन मोशन में क्या होता है उस पार्टिकल के तमाम पॉइंट्स जो हैं वो पैरेलली मूव करते हैं दिस मोशन इज जनरली डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ स्पीड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन उसका रोटेशन रोटेशन में तो बड़ा क्लियर है कि जब भी कोई बॉडी किसी फिक्स एंगल के ऊपर रोटेट करे तो रिजड मोशन वेयर इन अ रिजिड बॉडी मूव्स इन सच अ वे दैट एवरी पॉइंट ऑफ अ बॉडी टर्न्स अबाउट ए कॉमन सेंटर इन प्लेन और कॉमन लाइन इन स्पेस दैट इज इन केस ऑफ रोटेशन एवरी पॉइंट टर्नस थ्रू अ सेम एंगल तो सिंपल भाषा में अगर बात करें तो जो बॉडी सेम एंगल के ऊपर रोटेट करे उसको बोलते हैं हम रोटेशनल मोशन उसके बाद एक चीज़ आपने बिल्कुल ध्यान में रखना है जो लीनर ट्रांसफॉर्मेशन होती है जो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होती है इट इज़ ऑलवेज वन प्लेन टू अदर प्लेन जब भी हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब हम एक प्लेन से दूसरे प्लेन में जा रहे हैं ठीक है तो ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा एक प्लेन से दूसरे प्लेन में अप्लाई होती है तो इसी के साथ ये बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे ख़त्म होते हैं उसके बाद नेक्स्ट जो है आर्टिकल स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में सो थैंक यू थैंक यू वेरी मच